दिस एप्पल ट्रीज। एकदम बर्फ पड़ी हुई थी बाहर, पूरा व्हाइट सही है बड़ा वाला। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते स्वस्थ होंगे। गाइस आज मैं भद्रा में पहुंचा हूं। रात को जैसे भद्रा पहुंच गया था, मेरे नए दोस्त बने हैं, विराट आ गया, युद्धवीर आ गया। हेलो हेलो हेलो, नाम क्या है? रात को मैं बहुत लेट पहुंचा था, लेकिन जैसे सुबह उठा रात को -3 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ पड़ चुकी थी। बता भद्रा के बारे में कुछ। भद्रा रात होती है, रात के बाद बता भद्रवा कैसे? तू कहाँ में रहना पसंद करेगा, भद्रवा में या जम्मू में? जम्मू में। ओए होए रियान जम्मू में रहना पसंद करेगा। युद्धवीर इधर इधर रुक रहे सब, देते हेलो कर ले, हेलो कर ले, हेलो कर ले, बोल लाइक द वीडियो। कश्मीर के लिए निकलना है और मिलते हैं अपनी अच्छी जर्नी के साथ। बस मेरा खाना हुआ हमारा बाहर, ओके, और इतना अच्छा सा फील आ रहा है कि भाई मुझे स्विट्जरलैंड से कम नहीं लग रहा ये वाला इलाका। तो जैसे सुबह उठा मैं तो एक सरप्राइज सा दिया नेचर ने, और एकदम बर्फ पड़ी हुई थी बाहर, पूरा व्हाइट सा ही पड़ा हुआ था। तो गाइज मॉर्निंग की शुरुआत हुई हमारे एक मंदिर से, क्यों ना अपनी सुबह को एक मंदिर से शुरुआत की जाए। यहाँ पे जो मंदिर है, हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे ये सिटी या भद्रवा आ गया। तो मोहित इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दे। ये शेषनाग का टेंपल है और सालाना ये सिर्फ दो बार खुलता है, इसका दोबारा एक दो बार ही खुलता है। एक अपने जो जाते हुए फेस्टिवल होता है वो उसका अप्रैल में जो होता है लोकल फेस्टिवल उस टाइम खुलता है, अदरवाइज इसका दरवाज़ा नहीं खुलता है, पूरे साल भर के लिए बंद रहता है। और इसकी खासियत ये है कि जो भद्रवा है, भद्रवा को दो हिस्सों में बांटा गया है, जो नीरू नाला है यहाँ पे नीचे, उधर से जो उस पार्ली वाली साइड है वहाँ पे आगे वासुकी नाग जो वहाँ के राजा है, और इधर से इधर आगे शेषनाग, वासुकी नाग और शेषनाग। तो गाइस अगर भद्रवा के देसी कल्चर की बात करें तो जो मक्की रहती है उसका, मोहित इसको भद्रवा में क्या कहते हैं? कुंदू। तो ये अपना कुंदू रहता है घास का। हम जो यहाँ पे मेज की रोटी के साथ ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, यह आ गया सरसों के साथ, ये खेत इस तरह से बन रहा है। तो ये अपना यहाँ का कल्चर गाइस, देसी चीजें हैं। और ये कांटे हुए खेत कैसे लग रहे हैं देख पा रहे हो? और व्यू की बात करूँ तो आप खुद से क्या पाओगे कि व्यू कैसा है, बहुत ऑसम और अमेजिंग व्यू है पूरा। साइड पे देखो सारे एप्पल के बूटे हैं लाइन में लगे हुए, और फसल जो है आई की फसल कौन सी है मोहित? हाँ सरसों और घास की फसल लगी हुई है। बैकग्राउंड में सारे मेरे एप्पल्स के ट्री हैं जो एक लाइन में पूरे हैं। सीजन एप्पल का तो है नहीं, सो एप्पल्स मिलेंगे नहीं, बट इन्जॉय कर सकते हो कि एप्पल्स के ट्री होता है कैसे। सो दिस एप्पल ट्रीज, दिस एप्पल ट्री आप लाइन में देख पा रहे हो, सारे एप्पल ट्रीज हैं। और भद्रवा का टॉप प्लेसेस यहाँ पे जहाँ से पूरे भद्रवा को अभी इंजॉय कर पा रहा हूँ, डंडी गांव से। पूरा पैकेज जानने के लिए कांटेक्ट करें मोहित सिंह के साथ। सभी को बाय निकलते हैं, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, से टाटा। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पर आके, इतना प्यारा लगा कि जाने का मन नहीं था। तो अब निकलते हैं अपने कश्मीर के लिए विद माय फुल टीम, बाकी सारा पैकेज वगैरह कवर कर दिया। तो अब निकलते हैं कश्मीर की ओर भाई, तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी जगह पे, वेडियो बने रहे। तो गाइज विराट भाई यहाँ अच्छा दोस्त बन चुका था, विराट भाई को छोड़ के जाना है यहाँ से। विराट बाइकर बड़ा दुख हो रहा है मुझे, बड़ा दुख हो रहा दिल से मुझे, जाना नहीं बन रहा है कि क्या आना जाना नहीं बन रहा है विराट के बिना। मन कर रहा है विराट को साथ लेके चले जाऊं, विराट चलेगा मेरे साथ? ओ विराट तो रेडी है, लेकिन विराट को स्कूल भी जाना आने वाला है। We'll be right back.
भद्रवाह को घूमने के बाद निकले हम कश्मीर की ओर। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बानिहाल और टाइम अभी हो चुके हैं 7:33। स्मार्ट वॉच नहीं दिखा महंगी बहुत। और अब हम खाएंगे यहाँ पे एक ढाबा है, पंजाबी ढाबा है, वैष्णो ढाबा, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। चलो खाना खाते खाते मिलते हैं। सो गाइस अभी बनियाल में यार स्टे किया खाना खाने के लिए, अभी यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री। दस बज रहे हैं, 10:03। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं पहलगाम में ताजमहल होटल के अंदर। तो ठंड की बात करूं तो -7 डिग्री टेम्परेचर है अभी, रात के 10:30 बज रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पे। जो भी आए कश्मीर में तो मज़े से आओ, जैकेट वगैरह पहन के गर्म कपड़े साथ लाओ। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, पीस है, अमन शांति है, जिस तरह से मैंने सुना था भाई वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं फिर तुम्हें सुबह, अभी बहुत ठंड है, तुमसे इतना ही बात कर सकता हूँ। सो बाय, गुड नाइट।